Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल स्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आज हम बेंगलुरु में हैं और ये बेंगलुरु का देवनहल्ली इलाका है। मेरे दाहिनी ओर आप देख रहे हैं ये है NH7 जो कि बेंगलुरु से हैदराबाद की ओर जाता है। देवनहल्ली एयरपोर्ट से बेहद नजदीक है, पारंपरिक बेंगलुरु से काफी अलग है, यानी पूरी तरह से इसे ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया जा रहा है। नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो वो कौन से डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर बनकर सामने आने वाला है, एक नज़र देवनहल्ली के रियल स्टेट मार्केट पर। देवनहल्ली मुख्य बंगलुरु शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भारत के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बंगलुरु एयरपोर्ट भी यहां से बेहद करीब है, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी देवनहल्ली काफी बेहतर है। देवनहल्ली भविष्य के एक नए बिजनेस हब के तौर पर देखा जा रहा है। जमीन की यहाँ कोई कमी नहीं है, इस लिहाज से आने वाले वक्त में यहाँ दो बड़े बिजनेस पार्क बनने हैं। इनमें IT एंड हार्डवेयर पार्क और एरोस्पेस SEZ करीब 3000 एकड़ में होगा। यहां देश और दुनिया की जानी मानी कंपनियां होंगी, जिनमें बोइंग, एयरबस, बॉम्बार्डियर, TCS और शेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। सरकार का अनुमान है सिर्फ एरोस्पेस पार्क से ही करीब 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। भविष्य की इन संभावनाओं को देखते हुए कई रियल स्टेट डेवलपर्स देवनहल्ली में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ चुके हैं या फिर बनाने की तैयारी में हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु में हाउस ऑफ हिरानंदानी के बेहद खास टाउनशिप की, जहां पर कई तरह के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, यानी एक तरह से मिक्स्ड यूज टाउनशिप है। तो इस पूरी टाउनशिप को देखेंगे और साथ ही आपको लिए चलेंगे इसी टाउनशिप में बन चुके एक खास विला में, जो कि बड़े मन से बनाया गया है। तो देखेंगे इस पूरी टाउनशिप को, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हाउस ऑफ हिरानंदानी के अब तक के सफर पर। रियल स्टेट सेक्टर में हाउस ऑफ हिरानंदानी ग्रुप सबसे पुराने ग्रुप्स में से एक है। वैसे तो हाउस ऑफ हिरानंदानी रियल स्टेट सेक्टर में 3 दशक से काबिज है, लेकिन कागजी तौर पर ये 2005 से अस्तित्व में आई। 1981 में शुरू हुई कंपनी ने 1985 के बाद रियल्टी सेक्टर में रिसर्च को लेकर काफी गंभीर रही। रियल्टी सेक्टर में अपनी बेहतरीन इमेज और वर्किंग स्टाइल के चलते कंपनी ने ढेरों सम्मान हासिल किए हैं। हाउस ऑफ हिरानंदानी मौजूदा वक्त में चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरु जैसे शहरों में काम कर रही है। इसके बाद कंपनी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में नए प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी भी कर रही है। कंपनी का खास ध्यान प्रोजेक्ट की यूनिक डिजाइन, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट बनाने पर रहता है। यही वजह है कि हाउस ऑफ हिरानंदानी को ग्राहकों समेत दूसरे बिल्डर्स का भी सम्मान हासिल है। हाउस ऑफ हिरानंदानी की इस टाउनशिप की अगर हम बात करें तो करीब 80 एकड़ की टाउनशिप है, जहां पर हर तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी अगर आप यहां विला लेना चाहते हैं, कॉटेज लेना चाहते हैं या अपना अपार्टमेंट में घर लेना चाहते हैं, तो वो सभी तरह के ऑप्शन यहां पर आपको मौजूद मिलते हैं। ये पहला फेज़ है जहां पर कॉटेजेस आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं जारी है, कहीं कहीं 80-90% हो चुका है। तो और क्या कुछ है खास इस पूरी टाउनशिप में, एक नज़र इस बेहद खास टाउनशिप हाउस ऑफ हिरानंदानी पर। देवनहल्ली के बीच बसता हुआ एक मॉडर्न शहर हाउस ऑफ हिरानंदानी। इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप को 80 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ 2, 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट्स हैं। इनका एरिया 800 वर्ग फीट से लेकर 2000 वर्ग फीट तक है। तो वहीं इंडिपेंडेंट कॉटेजेस भी हैं। इन कॉटेजेस में 3 और 4 बेडरूम के ड्यूप्लेक्स यूनिट्स बनाए गए हैं, जिनका एरिया 1559 से लेकर 2200 वर्ग फीट तक है। साथ ही और भी ज्यादा लग्जरी पसंद लोगों के लिए यहां आलीशान विला का भी ऑप्शन है, जो 3 और 4 BHK के हैं। इन विला का एरिया 2200 स्क्वायर फीट से लेकर 3400 स्क्वायर फीट तक जाता है। यहां सभी तरह के करीब 983 घर बनाए जाने हैं। हाउस ऑफ हिरानंदानी में काफी बड़ा हिस्सा खुला और ग्रीन है, साथ ही ढेर सारी आउटडोर इंडोर एमिनिटीज भी दी गई है। इन टाउनशिप को बनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी। करीब 80% हिस्सा बन चुका है और 2018 में इसे पूरी तरह से तैयार करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इंतजार खत्म और अब बारी है हाउस ऑफ हिरानंदानी में खूबसूरत
शो विला को देखने की। इस विला का जो एरिया है वो करीब 10,000 स्क्वायर फीट है और 60% हिस्सा इसका ओपन रखा गया है, लैंडस्केप किया गया है, वाटर बॉडीज बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विला के लेफ्ट में काफ़ी बड़ा हिस्सा ग्रीन है और ठीक इसी तरह से विला के चारों तरफ काफ़ी खुला हिस्सा रखा गया है। तो एक नज़र इस ग्रीनरी पर, इस लैंडस्केप पर, और उसके बाद आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत विला के अंदर। तो ये है शानदार 4 BHK शो विला। इस शो विला के अगर हम कार्पेट एरिया की बात करें तो वो करीब 3,500 स्क्वायर फीट है। इस विला के एंट्रेंस से ही आपको शाही इंटीरियर नजर आने लगता है। ग्रैंड ओपनिंग है, करीब 9 फीट का दरवाजा है जो कि एक अलग ही एहसास कराता है। एंट्रेंस से जैसे आप अंदर आते हैं करीब आपको 11x6 फीट का फॉयर एरिया मिलता है। उसके बाद आपको सामने नजर आता है आलिशान लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बिग साइज सोफे लगाए गए हैं। सोफे के साथ ही सिटिंग के लिए काफी अच्छा अरेंजमेंट है। लिविंग एरिया में अगर आप हाइट देखें तो इतनी शानदार हाइट, यानी करीब 20 फीट की हाइट, शायद ही आपको कहीं और मिले। लिविंग एरिया के ठीक बगल में है इस घर का आलिशान डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में 8 चेयर स्क्वायर टेबल लगी हुई है। टेबल के साथ ही अगर आप देखिए तो बैठने के लिए यहां भी काफी बड़ी जगह है, बड़ा सा सोफा लगाया गया है। इस पूरे पोर्शन के अगर आप फ्लोर पर नजर डालते हैं, यानी लिविंग एरिया के और डाइनिंग एरिया के फ्लोर पर नजर डालते हैं, तो पूरे पोर्शन में इटालियन मार्बल लगाया गया है। लिविंग एरिया के ठीक बगल में लगा हुआ एक पाउडर रूम है। इस पाउडर रूम की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक दरवाजा दिया गया है जो गैराज से सीधे घर में आता है। पाउडर रूम से ही लगा हुआ है इस घर का सेंट्रल पोर्शन। इस पोर्शन में अगर आप देखिए तो यहां से सीढ़ियां जाती हैं, ये ठीक ऊपर जाती हैं जहां पर आपके 3 और बेडरूम है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में जो स्टडी रूम आपको नजर आ रहा है, इसका डायमेंशन है करीब 14x8 फीट। और यह है इस घर का फुल्ली मॉड्यूलर किचन। इस किचन के डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो करीब 12x16 स्क्वायर फीट है। यू शेप प्लेटफॉर्म यहां पर दिया गया और उसके बाद भी किचन के बीचों बीच वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया गया है। ढेर सारी कैबिनेट हैं, यानी स्टोरेज की यहां कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद अगर आप देखिए तो वाइट गुड्स के लिए एकदम अलग स्पेस क्रिएट की गई है। किचन के ठीक साथ में ये करीब 8x6 फीट का यूटिलिटी एरिया दिया गया है। यहां आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं जैसे कि यहां पर रखकर दिखाई गई है। यूटिलिटी एरिया से बाहर निकलते ही आपको यूटिलिटी एरिया के ठीक बगल में एक सर्वेंट क्वार्टर मिलता है। उसी सर्वेंट क्वार्टर में छोटा टॉयलेट है, यानी आपके सर्वेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे इस शो विला के कुछ और खूबसूरत शाही बेडरूम्स। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया रियल स्टेट गाइड में। आज हम बेंगलुरु में हैं और आपको दिखा रहे हैं हाउस ऑफ हिरानंदानी का आलिशान टाउनशिप। इस टाउनशिप में आपने शो विला देखा, शो विला का आधा हिस्सा देखा, और अब बारी है इस शो विला के शाही बेडरूम्स की। सबसे पहले हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर इस गेस्ट बेडरूम में। इस गेस्ट बेडरूम के डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो करीब 12x16 स्क्वायर फीट है। इंटीरियर काफी शानदार किया गया है, काफी बड़ा बेड लगाया गया है। बेड के ठीक सामने ढेर सारी शेल्फ दी गई हैं।
गेस्ट बेडरूम में स्टोरेज के लिए काफी अच्छी जगह दी गई है। अगर आप देखें तो बेड के बाईं ओर फुल हाइट वुडन कपबोर्ड्स बनाई गई हैं। इन्हीं कपबोर्ड्स के ठीक सामने बाथरूम बनाया गया है। बाथरूम के डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो करीब 6.5x8.5 फिट है। इस बाथरूम में जो आपको सैनिटरी वेयर्स नजर आ रहे हैं या फिर फिटिंग्स नजर आ रही हैं, वो सभी कुछ प्रीमियम ब्रांड की होंगी। गेस्ट बेडरूम के बाद अब बारी है फर्स्ट फ्लोर पर बने दूसरे कमरों को देखने की, जिनके लिए हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पर। आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ियां दी गई हैं करीब 4 फिट चौड़ी, इन सीढ़ियों से काफी अच्छी जगह मिलती है, आप बड़े से बड़ा सामान ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक मंजिला इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको काफी अच्छी स्पेस मिलती है। लेकिन हाँ, ये लिफ्ट आपको अपने खर्च पर लगवानी होगी। फर्स्ट फ्लोर पर यहां पर आपको 20x14 फीट का फैमिली लाउंज मिलता है, जहां पर काफी अच्छा स्पेस है सिटिंग के लिए। काफी बड़े एल शेप सोफे डाले गए हैं। सोफे के ठीक सामने अगर आप देखिए तो बड़ा सा टीवी स्क्रीन है। साथ ही स्टोरेज के लिए काफी अच्छी जगह है। तो यह है इस घर का सबसे खास और सबसे आलीशान हिस्सा, यानी मास्टर बेडरूम। इस कमरे के डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो करीब 17x16 स्क्वायर फीट है, यानी करीब 280 स्क्वायर फीट, काफी बड़ा एरिया है। मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड लगाया गया है, जो कि एक्चुअली किंग साइज बेड है। हालांकि ज्यादातर जगह पर आप देखते हैं किंग साइज बेड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल साइज वो नहीं होता है। इस कमरे की सीलिंग हाइट इसे और भी ज्यादा आलीशान बनाती है, क्योंकि ये हाइट करीब 13 फीट है। हालांकि लाइट का काफी अच्छा इंतजाम है, लेकिन इतनी बड़ी, यानी अगर आप देखें तो करीब 8 फीट की फुल ग्लास विंडो लगाई गई है, जिस विंडो से आपको दिन की रोशनी और क्रॉस वेंटिलेशन काफी अच्छा मिलता है। बेडरूम के ठीक साथ में आपको 8.5x7 फीट का वॉकिंग क्लोजेट मिलता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको मिलता है हाई एंड टॉयलेट, जिसके डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है करीब 8.5x12 फीट। मास्टर बेडरूम के बाद इस घर में दो और बेडरूम बचते हैं, जो कि इस हिस्से में डिजाइन किए गए हैं। यानी अगर आप देखिए तो जो फैमिली एरिया है उसके एक हिस्से में मास्टर बेडरूम है और दूसरे हिस्से में दो अलग बेडरूम है। किड्स बेडरूम के अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो वो करीब 15x16 फीट है। इस कमरे में अच्छी बात यह है कि करीब 4 फीट चौड़ा पैसेज दिया गया है, जिससे बेडरूम सीधी तौर पर नजर नहीं आता है। कमरे के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो दो बेड नजर आते हैं आपको। बेड के ठीक सामने एक छोटी स्टडी टेबल है। बेड के दाईं ओर वार्डरोब एरिया है और साथ ही हाई एंड बाथरूम दिया गया है। किड्स बेडरूम के ठीक सामने ये एक और बेडरूम आपको मिलता है। इस बेडरूम के भी डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो करीब 12x16 फीट है। इस बेडरूम में भी ठीक बीचों बीच काफी बड़ा बेड लगाया गया है। फ्लोर पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर भी शानदार वुडन फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पर यहां भी डिजाइनर वॉलपेपर्स हैं। जैसा कि आपने किड्स बेडरूम में देखा, तकरीबन ठीक उसी तरह से यहां पर भी वार्डरोब एरिया दिया गया है और बाथरूम भी तकरीबन उसी साइज का है। तो ये देखा आपने आलीशान शो विला। इसी के साथ यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम आपको लिए चलेंगे हाउस ऑफ हीरानंदानी के CMD सुरेंद्र हीरानंदानी जी के पास, और साथ ही उनसे ये जानेंगे कि यहां पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया रियल स्टेट गाइड में। आज हम आपको दिखा रहे थे बैंगलोर की बेहद खास टाउनशिप हाउस ऑफ हिरानंदानी। तकरीबन आपने इस पूरी टाउनशिप को देख लिया है, लेकिन अब बारी है हाउस ऑफ हिरानंदानी के MD सुरेंद्र हिरानंदानी जी से बातचीत करने की। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC आवाज़ पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हाउस ऑफ हिरानंदानी, हमने तो अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो बता सकते थे बताया, आप अपने शब्दों में कुछ बताइए इसके बारे में। ये अपना लक्ष्य है कि हम कम्युनिटीज़ अच्छे बनाएं, और इस काफ़ी काम इसमें जाता है। आप अपने सब टाउनशिप देख सकते हैं, जो हम बनाए हैं वो कुछ अलग है। और सिर्फ हम बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, हम कम्युनिटीज़ बनाते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें, और ड्यूरेबिलिटी खास देखते हैं हम कि 10 साल के बाद भी कुछ वही वैसे ही लगे और इट शुड एज वेल। आपको सर ये नहीं लगता कि जो हाउस ऑफ हिरानंदानी है बेंगलोर का, उसकी लोकेशन थोड़ी सी शहर से बाहर है? रियल इस्टेट, आप समझो कोई भी शहर देखो तो चारों तरफ फैल सकता है, कहीं भी फैल सकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम वेरेवर। पर आपको कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए कि यू मस्ट इन्वेस्ट इन द ग्रोथ कॉरिडोर। अभी ग्रोथ कॉरिडोर कहाँ होगा? और किसी भी शहर देखो, किसी भी शहर पूरे दुनिया में तो ऑलवेज एयरपोर्ट के तरफ वो डेवलपमेंट होता है, वो उन्नति विकास सब एयरपोर्ट के तरफ होता है। सर, बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट देखते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपका प्रोजेक्ट किस तरह का होगा? यही जो फ्यूचर है, यही है बेंगलोर की। वो प्रिडिक्ट करते हैं कि 10 साल में अबाउट 25 लाख लोग रहेंगे इस लोकेलिटी में, और काफ़ी लो डेंसिटी डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छा फैला हुआ है, ऐसे वो कंजेशन नहीं होगी वहाँ। अच्छा, ज़्यादातर मैं देखता हूँ सर कि लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें किसी एक तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो विला बनाते हैं या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या? हर किस्म के लोग मिक्स होए, और वही उसी को ही कम्युनिटी बन सकता है, नहीं तो वो ऐसे ही वो घेटो जैसे बन जाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो हाउस ऑफ हिरानंदानी की उस टाउनशिप में क्या प्राइस बैंड होगा अलग अलग? अभी अपना है आपको 65 लाख से 2-2.5 करोड़ तक मिल सकता है। काफ़ी अफोर्ड हम गिना जाता है कि दिस इज अफोर्डेबल लग्जरी, बिकॉज वी आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन का, पूरे लैंडस्केपिंग इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। आप ये प्रोजेक्ट को टॉप 10 प्रोजेक्ट्स इंडिया में गिना जा सकता है, एंड स्टिल अफोर्डेबल आज के मार्केट से। आगे जाकर इस यही लोकेशन आप देखेंगे तो इट विल बिकम अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव लोकेशन। हाउस ऑफ हिरानंदानी मुंबई में है, बेंगलोर में है, ज़्यादातर साउथ के शहरों में है, क्या भारत में कहीं और भी आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान? अपना फ्यूचर प्लान हम देख रहे हैं पुणे और दिल्ली मार्केट, यही दो देख रहे हैं और फिलहाल। इसके अलावा सर एक और चीज़, मैं थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट से बाहर निकलता हूँ, और ताज़ा आपने देखा रियल स्टेट मार्केट में बदलाव हुए, रेरा आया, उसके बाद GST भी आया, तो ऐसे में इन दोनों बदलाव के बाद आपको रियल स्टेट मार्केट कैसा नज़र आ रहा है और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? वो शॉर्ट टर्म तो ज़रूर होता है कुछ रिएक्शन, क्योंकि वो सब पेपर वर्क में एडजस्ट करना रेरा की वजह से, बट लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ये प्रोजेक्ट में है, काफ़ी तो बन चुका है और बहुत कम बचा है वो जो रेरा में है, और वो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहे हैं कुछ रेरा की वजह से। आपको लगता है कि जो रेरा आने के बाद मार्केट अच्छा हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा होगा, वैसे ही मतलब होना ही चाहिए, और सही चलेगा आगे मार्केट। रियल स्टेट तो आपका ऑलरेडी है, क्या रियल स्टेट के अलावा कई और सेक्टर में भी जाने का आपका मन है? हम होटल्स, जैसे होटल और थोड़े रिटेल हम किए हैं, विच इज़ मोर अपने टाउनशिप में डेवलपमेंट के लिए, बट अपना मेन फोकस हमेशा रियल इस्टेट ही रहेगा। उसमें सब सेक्टर्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, उसी को ही हम डेवलप करना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र हीरानंदानी जी, जो बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों की कम्युनिटी लिविंग को पूरी तरह से बदल रहे हैं। अगर आप देखें हाउस ऑफ हीरानंदानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। शायद इनसे सीख लेनी चाहिए उन बिल्डर्स को जो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं और पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और आपके सामने लेकर आएंगे कोई और शानदार प्रोजेक्ट। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।